हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं आपको ये डबल झालर का ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, डबल झालर इसमें बनी हुई हैं और आप इसमें अंदर ये कली हैं, अलग अलग कलर से भी इनको बना सकते हो। अपनी मर्जी से आप इसमें जैसे कलर भरना चाहो वैसे कलर आप इसमें लगा सकते हो। ये राउंड शेप में बनेगा और फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार होगा। बिल्कुल रंगोली की लुक देगा ये। और देखिए, बनाने में बहुत ही आसान है। देखने में लगता है कि डबल झालर कैसे बनी होगी, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया। इसको भी मैं कंप्लीट करूंगी, पूरा राउंड शेप में ये बन के कम्प्लीट होगा। तो आप भी मेरे साथ साथ इस डिज़ाइन को बनाइए। सबसे पहले देखिए, इसमें हम फंदे डाल लेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 9 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। और सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसमें फंदे डालूंगी कली के। जो भी आपने अंदर कली बनानी है, सबसे पहले हम उसके फंदे इसमें डाल लेंगे। तो कली के मैं इसमें 20 फंदे डाल लूंगी। आप इसको फ्रेंड्स जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। आप इसको 40 फंदे का भी बना सकते हो। मैं इस 20 फंदे में आपको बताऊंगी। एक नोट से हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, 10 फंदे मैंने डाल लिए। ऐसे ही मैं इसमें 20 फंदे डालूंगी। तो पहले मैं कली के 20 फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, 20 फंदे फ्रेंड्स मैंने कली के डाल लिए हैं। अब ये जो ऊपर बेस कलर है, अब मैं इसके फंदे डालूंगी। इसके फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 2 फंदे डालूंगी। तो देखिए, एक तरीका फंदे डालने का ये है। आप ऐसे भी इसमें फंदे डाल सकते हो। ये देखिए, इसको ऐसे कर देंगे, एक और ये 2। 2 फंदे मैंने इसके डाल लिए ऊपर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये मेरी झालर है, ये हम एक फंदे से स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हम, ये 2 कलर की है, तो जो आपने अंदर कलर लगाना है, अब आप उसका फंदा डाल दीजिए। उसकी तो हम यहाँ पे एक ऐसे ही एक नोट लगा लेंगे, एक फंदे की। एक फंदा हमारा ये हो गया। अब ऊपर फ्रेंड्स, जो झालर में हम बाहर कलर लगाएंगे, अब हम उसके फंदे डालेंगे जो हमने बाहर कलर झालर में लगाना है। तो उसके मैं यहाँ पे 6 फंदे डालूंगी। आप जितनी बड़ी छोटी बनाना चाहो अपनी चॉइस से बना लीजिए। 4 फंदे की भी आप बना सकते हो, छोटा बनाओ। और अगर आप बड़ा बना रहे हो तो आप 6 से ज़्यादा फंदे भी आप उसमें डाल दीजिए, 8 10, जितनी भी आपको चौड़ी या बड़ी बनानी है। मैं 6 फंदे की बताऊंगी, जोड़े से ही आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए, ये हो गए हमारे 5। एक फंदा हम इसमें और डाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे 20 फंदे ये हो गए, 2 फंदे हमारे ये हो गए 22, और एक फंदा ये हो गया 23, और आगे 6 फंदे हमारे ये हो गए, 23 24 25 26 27 28 29। 29 हमारे इसमें फ्रेंड्स फंदे हो गए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो से ही हम अपना इसमें स्टार्ट करेंगे। तो जो ज्वाइंट कैसे लगाएंगे कलरों का, वो आप एक बार ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग के 6 फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए, 6 फंदे हमने बना लिए। अब देखिए, अब आगे एक फंदा ये कैसे बनाएंगे। इस थ्रेड को हम इस साइड ले लेंगे और नीचे से ये वाला, ये हम इससे सिंगल फंदा बना देंगे। अब आगे देखिए, अब इसको ऐसे कर लेंगे और नीचे से ये दूसरा ये ऊपर ले आएंगे थ्रेड क्रॉस करके। और आगे के ये 2 फंदे इससे बना दिए और 2 हम आगे से
इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान से देखिए, एक और दो, और आगे के हम ग्रीन से बना देंगे। कली फ्रेंड्स हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, झालर हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, वो हमारी राइट साइड होगी, ये हमारी बैक साइड है। ये देखिए, ये सारे ही फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे, दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बनाना है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। ये देखिए, और लास्ट में हम दो फंदे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। एक बार राइट साइड से आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने थ्रेड को कैसे लेना है। फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे, आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो, बहुत ही सुंदर ये बनके तैयार होगा। कली के फंदे फ्रेंड्स हम जो जिस कलर का होगा वैसे ही हम इसको बनाएंगे। अब देखिए, थ्रेड को पीछे कर देंगे, ध्यान से देखिए, पीछे से दूसरा थ्रेड ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे, और ये आगे के चार फंदे हम इस कलर से बना देंगे। ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ से अपने झालर के स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट रो फ्रेंड्स, फिर ये जल्दी जल्दी बनके कंप्लीट होगा। ये देखिए, पीछे कर देंगे और पीछे से जिस कलर का हमारा फंदा है वो कलर हम आगे लेके आएंगे। ये देखिए, और ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। और अब देखिए, इस पे हम फंदा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। एक बार हमने ये बना दिया, थ्रेड को पीछे करेंगे और हम इसको एक बार और बना देंगे। यहाँ पे हमने एक फंदे से दो फंदे बना लिए। ये देखिए, और अब हम दूसरा थ्रेड आगे लेके आएंगे, इसको भी हम ऐसे देखिए क्रॉस करके लेके आएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा खींच के, और ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच, थ्रेड को पीछे करके किनारे वाले को हम हर बार सीधा बना देंगे। ये देखिए, ज्वाइंट हमारा फ्रेंड्स लग गया है। अब देखिए, इस साइड से झालर के फंदे हमने फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतारना है, और ये हम इस साइड से ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल उल्टा उल्टा फंदे हम बना लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये थ्रेड को आप ऐसे क्रॉस करिए और नीचे से ये दूसरा ऐसे लेके आइए। थ्रेड आपने हर बार क्रॉस करना है। अब दूसरा कलर आप ऐसे ऊपर लेके आइए, क्रॉस करके ऐसे बना दीजिए। अब देखिए, दो फंदे मैं इस बार फिर से ग्रीन के इसमें ऐड कर लूँगी, ये हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे। ये कली फ्रेंड्स आप समझ लीजिए, ये अंदर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से इस साइड से पीछे दो दो फंदे छोड़ देंगे, हम बीच सेंटर में आ जाएंगे। और ये झालर का डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगी, हमें ये कैसे डालना है। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, एक बार और देख लीजिए, पीछे से मैं दो फंदे और छोड़ दूंगी और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड फ्रेंड्स जो जैसा है मैं वैसा ही बनाऊंगी, यहाँ तक ये कलर चेंज कर लूँगी, यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं एक बार और आपको झालर बना के दिखाऊंगी।
ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब फिर से हम पीछे से झालर वाला फंदा आगे लेके आएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, नज़दीक से देखिए, इसको हम ऐसे उल्टा बनाएंगे और एक बार थ्रेड पीछे करेंगे और हम फंदा अपना यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये हमने एक फंदा लिया था, अब हमारे यहाँ पे इसके ये तीन फंदे बन गए। फिर से हम पीछे करेंगे, हर बार आपने एक फंदा इसमें ऐसे ही बढ़ाना है और आगे के ये छह फंदे हमारे ऐसे ही चलेंगे। इनको हम अभी नहीं घटाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, आगे चल के हम इनको घटाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ये आपने ऐसे ही बनाने हैं, पांच फंदे उल्टे और किनारे का सीधा। और हर बार फ्रेंड्स यहाँ पे आपने फंदा बढ़ाना है और ये यहाँ पे अंदर की तरफ हमने बढ़ना है दो दो करके और पीछे दो दो करके छोड़ना है। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स जब चार फंदे बच जाएंगे तब तक मैं आपको फिर आगे का बताऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे हमारे तीन फंदे हो गए हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये झालर में जब हमारे ये सात फंदे हो जाएंगे, तीन और चार सात, सात फंदे होने तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे तीन हो गए, चार फंदे मैं और इसमें बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए बीच में हमारे ये चार फंदे बच गए हैं। जितने भी फ्रेंड्स आप भी फंदे डालोगे, 40 फंदे का बनाओ, जितने भी फंदे डालो, बीच में हमारे इस साइड से दो बढ़ेंगे, इस साइड से दो, ये हमारे पीछे हम छोड़ते हुए आएंगे, तो बीच सेंटर में चार फंदे जब आपके बच जाएंगे तब आपने कैसे करना है। झालर के अभी हमारे फंदे पूरे नहीं हुए हैं। झालर भी फ्रेंड्स जितने आप बाहर फंदे रखोगे उतने ही फंदे आपके अंदर इसमें बढ़ने चाहिए। देखिए ये सारे ही हम बना लेंगे, इस साइड से हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे आप थ्रेड का ध्यान रखिए, ऐसे क्रॉस करेंगे तो ऐसे हमारी सिलाई की तरह सिलता जाएगा ये। और अगर क्रॉस नहीं करोगे आप तो इसमें हमारा गैप बन जाएगा। ये देखिए सारे ही थ्रेड आपने ऐसे क्रॉस करने हैं। ये बैक साइड से भी फ्रेंड्स बहुत सफाई के साथ बनेगा। ये देखिए कली हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। ये दो फंदे हम इसमें और ऐड कर लेंगे और दो हम ये छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब हम नीचे का नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, कली हमारी कंप्लीट हो गई। ये लंबी लंबी जब आप कली बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेंगी। ये देखिए अब हम ये ऊपर का फ्लावर बनाएंगे। यहाँ तक हमने फंदे छोड़ लिए हैं, ये फंदे भी हम दो दो करके सारे ही छोड़ देंगे, तभी हमारी इसकी इसमें झोल नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स और इसकी गोलाई बनेगी। अगर आप ये ऊपर का फ्लावर नहीं बनाओगे तो इसकी गोलाई तो बन जाएगी लेकिन ये कटोरी जैसी शेप आएगी फिर इसकी, इसके किनारे खुलेंगे नहीं। अब देखिए फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, पीछे किया थ्रेड, एक बार और बना दिया। ये हमारे हो गए दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक फंदा फ्रेंड्स हम इसमें और बढ़ाएंगे, फिर मैं आपको इसकी घटाई करके दिखाऊंगी। थ्रेड को क्रॉस कर लिया हमने और ये हम सारे ही ऐसे बना देंगे, किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। इसको सीधा बनाने से देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे एक चोटी जैसी शेप बनेगी, बहुत ही सफाई के साथ ये बन के कंप्लीट होगा। अब देखिए इस साइड से सारे फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। हर बार आपने क्रॉस करना है दोनों साइड से। ये देखिए अब दो दो करके भी मैं ये फंदे छोड़ दूंगी। दो हमने पिछली बार छोड़े थे, दो ये छोड़ दिए और मैं यहीं से वापस से मुड़ जाऊंगी। ये कई कलर के थ्रेड हो जाते हैं फ्रेंड्स, आप एक बार इसको एक रो उतारने के बाद जब आपको ये लगे कि ज़्यादा उलझ गए तो आप एक बार इनको अलग अलग कर देना, फिर बड़ा जल्दी जल्दी बनेगा।
आप देखिए फिर से हम इसमें एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक बार बनाया, थ्रेड पीछे किया, एक फंदे के दो फंदे बना लिए। ये फंदे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सात फंदे हो गए, आप देखिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, झालर आप दो कलर लगाओगे तो एक आप लाइट कलर लगाना और एक आप डार्क कलर लगाना, तो ये ज़्यादा उठेगी। दोनों डार्क कलर लगा दोगे तो इतनी नहीं उठ पाएगी, अलग से दिखाई देगी। फिर ये एक लाइट और एक डार्क का कॉम्बिनेशन लेना, और अगर डार्क ले हो तो दोनों ऐसे लेना अलग अलग, जो दूर से दिखाई दे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये आगे के छह फंदे हम घटा देंगे। देखिए दो का एक किया, एक दो, ध्यान से देखिए, तीन चार पाँच, और एक इसमें लेके ये हमारे फंदे गट गए, छः। छः फंदे हमारे गट गए फ्रेंड्स, ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं, तो ध्यान से देखिए। अब हम इस कलर के बना लेंगे ये दो, और इस कलर को आप ऐसे आगे लेके आइए। ये देखिए तीन चार पाँच और छः, छः कलर के हमारे फंदे हो गए, जैसे हमने फंदे डाले थे और एक हमने ये डालना था। ये देखिए ये हमने घटा लिए, ये कलर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, और एक फंदा फिर से हमने इसमें रख लिया जो हमने डाला था। झालर हमारी अलग चलेगी फ्रेंड्स, कली का अंदर का हिसाब अलग चलेगा। कली अब ये हमारा ये फ्लावर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अंदर के फंदे हम अभी ऐसे ही दो दो करके छोड़ेंगे। ये देखिए ये फ्रेंड्स, मैंने ये चार फंदे छोड़ दिए, ये भी फंदे मैं ऊपर तक, दो फंदे रहने तक ये भी फंदे मैं दो बार और छोड़ूंगी। ये देखिए अब हमारा ये एक फंदा है फ्रेंड्स, फिर से हम ऐसे ही इसमें फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ से नीचे से स्टार्टिंग की थी। तो देखिए एक बार बनाया, ध्यान से देखिए, दोबारा से इसको फिर से बना देंगे। दो फंदे हो गए, अब दूसरा थ्रेड हम आगे लेके आएंगे क्रॉस करके, और ये हम उल्टे बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच, और छठे फंदे को हम सीधा बना देंगे। ये देखिए ये फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमारी ऐसी शेप आई है और यहाँ से भी ऐसी शेप आई है। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से अपने फंदे यहाँ पे बीच में इसमें बढ़ाएंगे, सात फंदे हम कर लेंगे, एक है हमारा, छह और हम इसमें बढ़ाएंगे। एक हमने बढ़ा लिया, अब हम इसमें पांच फंदे और बढ़ाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दो दो करके यहाँ तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं आगे का आपको बताऊँगी। ये देखिए ये कली हमने बना ली है, फ्लावर हमने बना लिया है, दो दो फंदे सारे इसके भी हमने छोड़ दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी झालर के अभी हमारे फंदे पूरे नहीं हुए हैं, झालर हम बाद में बनाएंगे। कली हमारी अंदर पूरी हो गई, तो दूसरा कली हम दूसरे कली का कलर कैसे लगाएंगे वो आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको एक ही कलर से सारी कली बनानी है तो आप इसी कलर को बनाइएगा, और दूसरी लगानी है तो वो आप कहाँ से लगाओगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए ये अभी हमारे चार ही फंदे हुए हैं, ये दो फंदे हम बेस के ये रखेंगे ऐसे ही। अब यहाँ से अगर फ्रेंड्स आपको ग्रीन से बनाना है तो आप यहाँ से इसको ऐसे ही ग्रीन से आप इसको बना लीजिए। मैं यहाँ से आपको दूसरा कलर एक बार लगा के दिखाऊंगी, तो दूसरा कलर हम यहाँ से लगाएंगे। आप यहाँ पे नोट लगा लीजिए इसकी, या इसको आप ऐसे अंदर दबा लीजिए। तो जितने हमने दो दो करके फंदे छोड़ रखे हैं इनको भी हम बना लेंगे, और दूसरा कलर भी हम इसमें अपना सेट कर लेंगे इस रो में। इसको आप थोड़ा सा आप अंदर ऐसे दबा लीजिए। ये देखिए अब ये सारे ही फंदे हम बना देंगे।
देखिए इस साइड से मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको झालर और दिखा दूँगी। ये देखिए है, ये कली के बना लिए, ये दो फंदे हमने बेस कलर के बना लिए। अब क्रॉस करके हम ये कलर आगे ले आएंगे, एक बार बनाया फिर से हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे हमारे हो गए 5, दो फंदे हमने यहाँ पे और बढ़ाने हैं। ये देखिए इसको हम आगे ले आएंगे क्रॉस करके। ये आपने ऐसे ही बनाने, जब आपके 7 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे तब आपने ये आगे वाले फंदे घटा देने हैं और अपना कलर आगे इसमें सेट कर लेना है। जैसे हमने नीचे बनाया है ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रो में मैं दो दो फंदे अंदर बढ़ूंगी और दो फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी। यहाँ पे जब मेरे 7 फंदे हो जाएंगे तब तक मैं बनाऊंगी। 7 फंदे होने के बाद एक बार झालर की छटाई मैं आपको और दिखाऊंगी। कली की हमने दूसरी स्टार्टिंग कर ली है, ये कलर अब हमारा बढ़ने लग जाएगा। दो फंदे हम इसमें ले लेंगे, दो दो इस साइड से लेके बीच में आ जाएंगे। मैं ये यहाँ पे दो फंदे आपको बढ़ा के और दिखाऊंगी, फिर मैं आपको झालर एक बार और बताऊंगी। ये देखिए लास्ट का फंदा हम एक बार इसमें और बढ़ा लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने बढ़ा लिए। एक फ्रेंड्स हमने इसमें फंदा रखा था, ये देखिए 7 फंदे हमारे हो गए हैं। ये हर बार आपने ऐसे ही, जब आपके यहाँ पे फंदे हो जाएं, एक आप लेके चलोगे 6 फंदे और बढ़ाने के बाद फिर आपने इसकी कटाई करनी है। ये देखिए जैसे हमने नीचे घटाए थे ऐसे ही हम यहाँ पे फंदे घटा देंगे। एक बार और देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 छह फंदे हमने घटा दिए। इसको आप टाइट कर दीजिए, ये देखिए 2, इसको आप ऐसे 7 के साथ लेके चलिए, 3, 4, 5 और फिर से हमने ये 6 फंदे अपने कर लिए और एक जो हमने स्टार्टिंग की थी एक हमारा ये बच गया। फिर से हम इस पे फंदे बढ़ा लेंगे और ये हम ऐसे ही बनाएंगे। और ये अंदर वाला फ्रेंड्स ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ये हम अंदर की तरफ अब बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। बीच सेंटर में आ जाएंगे हम, दो दो फंदे उस साइड से छोड़ते हुए और दो दो इस साइड से। कली हमारी ऐसे ही बनेगी जैसे हमने नीचे अपनी ग्रीन बनाई है। ये देखिए यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और दो इस साइड से अगली बार और दो इस साइड से। फिर ये 4 फंदे बच जाएंगे, फिर ये 2 छोड़ देंगे और ये 2 और हम बना के और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फिर आप ये फ्लावर आप कंप्लीट करिएगा, दो दो करके इसके भी फंदे आपने छोड़ने हैं। और झालर हमारी फ्रेंड्स ऐसे ही चलेगी, यहाँ पे 6 फंदे बढ़ जाएंगे, फिर हम 6 फंदे घटा देंगे और फिर से जैसे अभी हमने स्टार्टिंग की है ऐसी ही हम इसमें स्टार्टिंग ऐसे कर लेंगे। कलर आप अपनी च्वाइस से, इसमें कोई भी कलर आप अपनी मर्जी से लगाइए, कलर कॉम्बिनेशन का आप ध्यान रखिए, फिर बहुत ही सुंदर ये फ्रेंड्स बन के कम्प्लीट होगा। और जब थोड़ा सा ये बड़ा, इसको भी मैं कम्प्लीट करूँगी, बिल्कुल राउंड शेप में बनेगा और थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो देखिए ऐसी इसकी लुक आएगी। और ये आप मल्टी कलर की अलग अलग कलर से भी आप इसको बना सकते हो, फ्लावर भी आप अलग अलग कलर से बना सकते हो, अपनी च्वाइस से आप इसमें कलर भरिएगा। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।